है सो सब गाइस, आगे मैं आपके लिए एक और टेक न्यूज़ लेके दमदार सी। सो गाइस, आज का जो हमारा टेक न्यूज़ है वो एक सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कि अभी भी जो हमारी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल अनसेफ है। और क्योंकि ये अनसेफ इसलिए क्योंकि ये ज़माना इंटरनेट का चल रहा है, और इंटरनेट के ज़माने में एक प्रोफेशनल हैकर के लिए हमारी सिक्योरिटी को एक्सट्रैक्ट करना, हमसे निकालना, हमसे छीनना बिना पूछे, वो एक बहुत आम बात बन गई। आज दिनों हर साल एक क्या बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी वायरल होती है कि किसी के पेटीएम से पैसा निकाल दिया गया, किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल दिया गया, तो कभी किसी के बैंक के अकाउंट में ये हो गया, चाहे जो भी है। मतलब सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक हैकिंग से रिलेटेड ही आती है। किसी का फेसबुक हैक हो जाता है, किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाता है। सो गाइस, मैं फिर यही बोलना चाहूँगा, इंटरनेट के ज़माने में सिक्योरिटी हमारी कहीं भी ठीक नहीं है। कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में, चाहे गूगल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कुछ भी पॉसिबल है। सो गाइस, ऐसी कंपनी इज़राइल की NOC करके, उसने एक स्पाईवेयर बनाया जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में तकरीबन 1100 से 1200 लोगों को टारगेट किया उसने, वो भी हाई एंड प्रोफेशनल जो व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, बड़े बड़े जो लोग थे उनको इसने टारगेट किया है। और इस वायरस का काम यह है कि कंपनियाँ क्या करती है, जो इज़राइल की हैं, जिस कंपनी ने इसको बनाया था, वो जस्ट एक मिस कॉल करेंगे आपके व्हाट्सएप पे, एंड जो वो स्पाईवेयर है वो एक्टिव हो जाएगा आज जिसके मोबाइल पे उन्होंने मिस कॉल किया, और हमें पता भी नहीं लगेगा। और उसका काम ये है कि हमारे डाटा को एक्सट्रैक्ट करके उस तक पहुंचाना। अगर हम वॉइस कॉलिंग जैसे करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, चैट्स करते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे कैमरे को भी डिटेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन हैं या नहीं तभी हमारे कैमरे को डिटेक्ट करता रहेगा वो हमेशा, और जितनी भी हमारे डाटा है वो उन तक पहुँचाता रहेगा। सो गाइस, ये बात व्हाट्सएप ने खुद कही है, और उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए हैं, बट आई डोंट नो कि क्या उन्होंने आंसर दिया है। मैं इज़राइल की कंपनी के बारे में नहीं जानता, बट जैसा जैसा मेरे को न्यूज़ मिले मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, एक रियलिटी है कि हमारी सिक्योरिटी कहीं भी मजबूत नहीं है, हम कहीं भी हर जगह से अनसेफ है, अनसिक्योर है। सो गाइस, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में ही है। सो गाइस, आज का जो टेक न्यूज़ था मैं एंड करता हूँ।